Good morning. Welcome you all to the today's presentation topic, Inset Nervous System. मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों को पता है, most of the insecticides insect nervous system के ऊपर act करके insect pest को manage करता है. तो insecticides का mode of action समझने के लिए हमें इंसेक्ट नर्वस सिस्टम को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो चलो फिर हम देखेंगे इंसेक्ट नर्वस सिस्टम क्या होता है. इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन क्या होता है, गैंग्लिया क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सब सिस्टम ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है. फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द न्यूरॉन. आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा एक न्यूरॉन, वैसे सेवरल न्यूरॉन्स मिला के इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम फॉर्म होता है. देयरफॉर न्यूरॉन इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम. इसे हम नर्व सेल भी बोल सकते हैं. न्यूरॉन which is composed of a cell body and which is with two types of projection, that is one dendrites and another one is the axon. Cell body में nucleus होने के कारण a nerve cell का activities को control करता है. Then what is the role of dendrite? Dendrites receives the stimuli. Then what is the role of axon? Axon transmit the received stimuli to the next neuron or the central nervous system. अभी हम देखेंगे गैंग्लिया क्या होता है. यहाँ पे देखो एक नर्व है उसका सेल बॉडी है, एक नर्व है उसका सेल बॉडी है, एक नर्व है उसका सेल बॉडी है. सेवरल नर्व्स का सेल बॉडीज क्या हो रहा है? एग्रीगेशन हो रहा है. दैट इज aggregation of cell bodies of several neurons is the ganglia. See, ganglia वैसा दिखता है. इस इमेज में आप लोगों को दिख रहा होगा सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, सब इसोफेजियल गैंग्लिया, थोरासिक गैंग्लिया एंड फ्रंटल गैंग्लिया. तो ये गैंग्लिया क्या होता है, ये गैंग्लिया कैसा फॉर्म होते हैं, इस गैंग्लियास का फंक्शन क्या होता है, हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे. अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिस. न्यूरॉन्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. तो हम पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स on their structural basis. That is one monopolar neuron, second one bipolar neuron and third one is multipolar neuron. यहाँ पे देखो एक न्यूरॉन है, उसके पास एक सेल बॉडी है एंड ए सिंगल एक्सॉन है. When a neuron is composed of single axon, such neuron is known as मोनोपोलर न्यूरॉन. यहाँ पे देखो अनेदर न्यूरॉन है, इसके पास एक पोल डेंड्राइट है एंड अनेदर पोल एक्सॉन है. व्हेन ए न्यूरॉन इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल एक्सॉन एंड ए डेंड्राइट, सच न्यूरॉन इज नोन हैज बाइपोलर न्यूरॉन. यहाँ पे देखो अनेदर न्यूरॉन, एक सेल बॉडी है, उससे एक एक्सॉन निकला और सेवरल डेंड्राइट्स निकले हैं. व्हेन ए न्यूरॉन इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल एक्सॉन एंड सेवरल डेंड्राइट, सच न्यूरॉन इज नोन हैज मल्टीपोलर न्यूरॉन. अभी देखेंगे हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. ये भी तीन तरीका का रहता है, एक सेंसरी और अपरेंट न्यूरॉन, सेकंड वन मोटर और एफरेंट न्यूरॉन, थर्ड वन इंटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन.
सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचा देता है। मोटार न्यूरॉन ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके इफेक्टर ऑर्गन को पहुंचा देता है, दैट इज सेंसरी और ऑफरेंट न्यूरॉन। इट कंडक्ट्स इंपल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोटार और इफरेंट न्यूरॉन इट कंडक्ट्स इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर ऑर्गन्स। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटर न्यूरॉन? इंटर न्यूरॉन्स इंटरलिंक्स सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। अभी हम देखेंगे सब सिस्टम ऑफ नर्वस सिस्टम। हम नर्वस सिस्टम को थ्री मेजर सब सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दो विजरल नर्वस सिस्टम एंड तीन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम पहले डिस्कस कर लेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। ये एक मेन सेंसरी सेंटर है और इंसेक्ट का बिहेवियर को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल के नाम दिया है। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेन्स डबल सीरीज ऑफ गैंग्लिया। देखो ये एक सीरीज ऑफ गैंग्लिया है एंड ये एक सीरीज ऑफ गैंग्लिया है। दिस गैंग्लियास आर कनेक्टेड लॉन्गिट्यूडिनली बाई मीन्स ऑफ कनेक्टिव्स एंड ट्रांसवर्सली बाई मीन्स ऑफ कमीसस। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को? एक ब्रेन और सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, सेकंड वन सब इसोफेजियल गैंग्लिया एंड थर्ड वन वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो ब्रेन क्या होता है, सब इसोफेजियल गैंग्लिया क्या होता है एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड क्या होता है, ये कैसा फॉर्म होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे इंडिविजुअली। पहले हम देखेंगे ब्रेन, हम इसे सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट सेफालिक न्यूरोमियर, सेकंड सेफालिक न्यूरोमियर एंड थर्ड सेफालिक न्यूरोमियर्स। ब्रेन इट इज फॉर्म्ड बाय दी फ्यूजन ऑफ फर्स्ट थ्री सेफालिक न्यूरोमियर्स एंड इट इज कंसिस्टिंग ऑफ थ्री पार्ट, दैट इज वन प्रोटोसेरेब्रम, ड्यूटोसेरेब्रम एंड ट्राइटोसेरेब्रम। प्रोटोसेरेब्रम इट इज लार्ज एंड इनर्वेट्स कॉम्पाउंड आइज एंड ऑसिलाई। कॉम्पाउंड आइज एंड ऑसिलाई को इनर्वेट करके वहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है और उसे इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट ड्यूटोसेरेब्रम इट्स फाउंड बिलो द प्रोटोसेरेब्रम एंड इट्स इनर्वेट्स एंटेनाई। थर्ड वन इज द ट्राइटोसेरेब्रम, इट इज द बाइलोब्ड एंड इट्स इनर्वेट लेब्रम, दैट इज अपर लिप। ये हो गया सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। अभी हम देखेंगे सब इसोफेजियल गैंग्लिया के बारे में। सब इसोफेजियल गैंग्लिया इज फॉर्म्ड बाय दी फ्यूजन ऑफ लास्ट थ्री सेफालिक न्यूरोमर्स, इट्स इनर्वेट्स मैंडिबल मैक्सिले एंड लेबियम, दैट इज द लोअर लिप। यहाँ पे देखो एक रिंग दिख रहा है। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया एंड सब इसोफेजियल गैंग्लिया आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ ए रिंग इज नोन एज सरकम इसोफेजियल कनेक्टिव। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। अभी तक हम डिस्कस कर लिए हैं ब्रेन एंड सब इसोफेजियल गैंग्लिया के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे वेंट्रल नर्व कॉर्ड के बारे में। यहाँ पे देखो ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, कहाँ है, वेंट्रल साइड में है
और मिडल पोर्शन में लोकेटेड है, और इसमें सेगमेंट ईच सेगमेंट में एक पेयर ऑफ गैंग्लिया है। तो मीडियन वेंट्रल चेन ऑफ सेगमेंटल गैंग्लिया बिलो द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द वेंट्रल नर्व कॉर्ड। वेंट्रल नर्व कॉर्ड इज कंपोज्ड ऑफ थोरासिक गैंग्लिया एंड अब्डामिनल गैंग्लिया। ये है थोरासिक गैंग्लिया एंड ये है अब्डामिनल गैंग्लिया। थोरासिक गैंग्लिया थ्री पेयर्स इन नंबर एंड दे आर लार्ज इन साइज। थोरासिक गैंग्लिया का फंक्शन क्या होता है? थोरासिक गैंग्लिया इनर्वेट करता है लेग्स एंड विंग्स मसल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव सेगमेंट। अभी हम देखेंगे अब्डोमिनल गैंग्लिया के बारे में। अब्डोमिनल गैंग्लिया जनरली 8 पेयर्स होता है, लेकिन इसका नंबर स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी भी हो सकता है। यहाँ पे देखो, कॉकरोच में 6 पेयर्स ऑफ अब्डोमिनल गैंग्लिया है, ब्रिजल टेल में 7 पेयर्स ऑफ अब्डोमिनल गैंग्लिया है, हाउस फ्लाई में सिंगल कंबाइंड थोरासिको अब्डोमिनल गैंग्लिया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अब्डोमिनल गैंग्लिया? अब्डोमिनल गैंग्लिया इनर्वेट करता है स्पाइरकल्स, दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव सेगमेंट्स। देन व्हाट इज कॉडल गैंग्लिया? ये भी अब्डोमिनल गैंग्लिया ही है, लेकिन सेवरल लास्ट अब्डोमिनल गैंग्लियास आर फ्यूज्ड टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड गैंग्लिया इज द कॉडल गैंग्लिया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉडल गैंग्लिया? कॉडल गैंग्लिया इनर्वेट्स जेनिटल ऑर्गन्स एंड सरसे। हम डिस्कस कर लिए हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन, सब एसोफेजियल गैंग्लिया एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड के बारे में। अभी हम देखेंगे विजरल नर्वस सिस्टम। विजरल ऑर्गन्स को और इंटरनल ऑर्गन्स को नर्व सप्लाई करने वाले सिस्टम को ही हम बोलेंगे विजरल नर्वस सिस्टम। इसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। विजरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ थ्री सब सिस्टम, दैट इज वन स्टोमोडियल विजरल नर्वस सिस्टम, वेंट्रल विजरल नर्वस सिस्टम एंड कॉडल विजरल नर्वस सिस्टम। स्टोमोडियल नर्वस सिस्टम में फ्रंटल गैंग्लिया होता है, तो स्टोमोडियल विजरल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? इट इनर्वेट्स ब्रेन, आरोटा, फोरगट एंड सेवरल एंडोक्राइन ऑर्गन्स सच हैज कार्पोरा कार्डियाका एंड कार्पोरा अलाटा। अभी हम देखेंगे वेंट्रल विजरल नर्वस सिस्टम। वेंट्रल विजरल नर्वस सिस्टम विच इज एसोसिएटेड विथ दी वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड ट्राकियल सिस्टम। अभी हम देखेंगे कॉडल विजरल नर्वस सिस्टम। कॉडल विजरल नर्वस सिस्टम विच इज एसोसिएटेड विथ पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द अब्डोमेन, दैट इज सरसाई एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विजरल नर्वस सिस्टम, अभी हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल ऑर्गन्स और बॉर्डर ऑर्गन्स को नर्वस सप्लाई करने वाले सिस्टम को ही हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है सेंसरी न्यूरॉन ऑर्गन्स एंड मोटर न्यूरॉन ऑर्गन। यहाँ पे देखो, एक सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन को पहुंचा रहा है। यहाँ देखो, मोटर न्यूरॉन का ऑर्गन है, ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेके
मज़ल को पहुंचा रहा है। वही तो बोला हूँ, सेंसरी न्यूरॉन एक्सॉन रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन एक्सॉन्स रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल्स। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, सेंसरी न्यूरॉन एक्सॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन एक्सॉन्स, ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। थैंक यू। हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे नर्व इम्पल्स कंडक्शन के बारे में।